बच्चों, वेलकम बैक टू आवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नेम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इन दिस टॉपिक वी विल लर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? ये कहता है कि हम मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते, ना ही बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब इसे फिनिश भी नहीं कर सकते हैं। हम बस क्या कर सकते हैं, मास के फॉर्म को, है ना, मतलब जो भी हमारी चीज थी उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ये क्या होती है? स्टेट होती है। हम बस इनकी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम जब पहले आइस लेते हैं, क्या लेते हैं? आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। फिर उस पे हम क्या करते हैं? थोड़ी सी हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट। तो किसमें बदल जाती है? लिक्विड में, किसमें? वाटर में, यानी कि। और फिर जब हम उसे और ज्यादा हीट देते हैं तो उसमें वो किसमें बदल जाती है? वेपर्स में। किसमें बदल जाती है? वेपर्स में। देखो आइस क्या थी? सॉलिड। फिर से हीट दिए तो किसमें हुई? वाटर। और फिर क्या? वेपर में। क्या हो रहा है? क्या इसका मास चेंज हो रहा होगा? मास इसका नहीं चेंज होगा, बस क्या हो रहा है, इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें, क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा, अच्छा याद करिए, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें आप क्या पढ़ते थे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सेम वही चीज है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या होता है इसे? हम केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हम पहले एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम जो है केमिकल एग्जांपल पे आ जाएंगे। फिजिकल एग्जांपल की अगर बात करें, जब हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब हम धूपबत्ती को जलाते हैं, जलाने के समय वो कैसी होती है? एक सॉलिड स्टेट में होती है, हार्ड होती है, लेकिन जब हम उसे जला देते हैं, क्या करते हैं, जब हम जला देते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैस निकलती है। क्या होता है? गैस इवॉल्व होती है और उसका कलर चेंज होके दूसरा हो जाता है। और तब अगर हम उस, वो जो सॉलिड हमें मिला है वो पाउडर लाइक होता है, उसका मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कह दोगे कि सर यहां पर तो मास कम हो गया, यहां तो मास कंजर्व नहीं है, लेकिन जो हमारी ये धूप थी, धूपबत्ती, इसे जब हमने जलाया था, क्या करा था? जलाया था, और उसके बाद जो यहां से स्मोक निकल रहा था, क्या निकल रहा था? स्मोक। अगर हम इस स्मोक को भी कलेक्ट कर लें और जो इसके बाद एस बचेगी उसे भी कलेक्ट कर लें और उसको वेट करें, क्या करें, उसको वेट करें, तो हमें मिलेगा कि ये वेट किसके बराबर होगा? इस वाली धूपबत्ती के वेट के बराबर होगा। ठीक है, इस वाली धूपबत्ती के वेट के बराबर होगा, मतलब कि वेट क्या है? कॉन्स्टेंट है, ना ही मिट रहा है ना ही बन रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर पहले हार्ड हुआ करती थी ये, फिर सॉफ्ट हो गया, है ना, ये जो एस थी ये क्या हो गई? सॉफ्ट हो गई, स्टेट में चेंज हुआ। ये देखो गैसेस फॉर्म में बन गया, इसमें गैसेस फॉर्म में स्टेट चेंज हुई ना, क्या इसका मास चेंज हुआ? हाँ, वो बात अलग है कि स्मोक का मास अलग हो गया, एस का अलग हो गया, लेकिन अगर इसे हम कंबाइन करके देखें तो इसका मास और इस धूपबत्ती का मास भी क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि हमारा जो मास है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कि जैसा कि पहले था वैसा ही अभी भी है। तो क्या हो, जब हम किसी चीज को ना ही बना सके ना ही मिटा सके, केवल फॉर्म को चेंज कर सके या स्टेट को चेंज कर सके, उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। यहाँ पर मास को हम कर रहे हैं, किसे? मास, ना ही हम बना रहे हैं ना ही मिटा रहे हैं, केवल फॉर्म चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया है? कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। एक अगर हम केमिकली एग्जांपल पे आ जाएं, अगर हम क्या करते हैं, केमिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम वाटर लें और उसको हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो वो हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस में टूट के क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। क्या होगा? उड़ जाएगा। देख लो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये लिक्विड था, फिर क्या हुआ, स्टेट इसकी चेंज हो गई। स्टेट, चलो पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि स्टेट चेंज हो रहा है। क्या है मतलब, उसकी स्टेट को क्या कर पा रहे हैं?
चेंज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या एटॉमिक मास, तो देखिए वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। हाँ, एक समय पे कम हो सकता पर बढ़ना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हाइड्रोजन क्या क्या है, वन होता है, लेकिन इसके कितने एटम है, तो दो है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, वो ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 8। पर एटॉमिक मास की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास की बात करें तो हो जाता है 16। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 16 क्या आ रहा है, 18 यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है, 18 यूनिट आ रहा है। चलिए, इधर भी मतलब कितना यूनिट आना चाहिए, 18 यूनिट आना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 × 2। ऑक्सीजन प्लस था तो प्लस, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता था, 16 होता था, कितने है, 2 है। तो 2 × 2 + 16 = 32। तो यहां पर क्या आया, 34 यूनिट आया। अरे मास तो बढ़ गया, मतलब ये तो जादू हो गया। अरे तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को दूर करने के लिए, है ना, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो मास हमारा घट सकता है वहां पर। ठीक है, वो घटता भी नहीं, गैस के रूप में क्या हो जाता है, वहां से हट जाती है चीजें, लेकिन बढ़ता कभी नहीं। हमने जितने भी आज तक प्रैक्टिकल करे, जो भी प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं, बढ़ता नहीं अपने आप से। बढ़ जाएगा तो जादू हो जाएगा ना, लेकिन यहां तो बढ़ रहा है जब हम केमिकल को देख रहे हैं, एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा, बैलेंस करके अगर देखें, हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा देखिएगा, अभी ये क्या है, बैलेंस नहीं, यहाँ पर क्या है, वेट कम है, लेस है, पर यहाँ पर मोर हो गया, जो कि फिजिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्या फिजिकली नॉट पॉसिबल, है ना, कभी भी पॉसिबल नहीं है, पर यहां पर हो रहा है, मतलब साइंस गलत हो गई। साइंस कभी नहीं गलत हो सकती। बस इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। अच्छा देखिए, बैलेंस करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पर इसमें देखते हैं बैलेंस करके। आप देखिए, इधर 2 × 2 = 4, मतलब इधर 4 हाइड्रोजन के एटम, इधर 4 ऑक्सीजन के, 2 और 2 ऑक्सीजन के एटम। यहां पर देखिएगा, हाइड्रोजन का कितना था, 1, लेकिन यहां पर 2 × ये भी तो इसी के मल्टीप्लाई में होगा, 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। 1 यहां है, पर ये भी तो इसी के साथ है ना, दो मॉलिक्यूल पूरे वाटर के हैं, तो ऑक्सीजन के भी तो यहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 × ऑक्सीजन का मास 16। फिर यहां पर क्या होगा, ये LHS है हमारा, बराबर RHS आना चाहिए, है ना, RHS में क्या है, 4 है, तो 2 × 2 × 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 × 2 होगा, तो 2 × 4 + 16 = 32। क्या आया, 32, और यहां पर 32 × 4 = 36 यूनिट आया। यहां पर देखिए, 4 × 2 = 4 + 16 = 32, और यहां पर क्या आया, 32 × 4 = 36 यूनिट आया। मतलब क्या है, LHS = RHS है, मतलब दोनों तरफ मास कंजर्व है। बस इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। जैसे कि सबसे पहले हमने सीखा था क्या था, मास कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या जो कि हमारा क्या था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। जैसे कि हमने क्या लिया था, धूपबत्ती का एग्जाम्पल लिया, हम धूपबत्ती को जलाते हैं से पहले उसका मास ज्यादा होता है और हार्ड होती है, लेकिन जब जला देते हैं तो क्या होता है, उसका मास कम हो जाता है, पाउडर फॉर्म में बन जाता है, गैस इवॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम इवॉल्व गैस और क्या जो हमारी ऐश बनी थी उन दोनों को एक साथ रख के देखें, तो उन दोनों का मास क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब कि मास जलाने से पहले जो मास था वही बाद में भी मिलेगा। ठीक, ये क्या था मैम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में देखा, वाटर को हीट किया तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा,
लेकिन पहले क्या था, कम था, अगर इसे हम बैलेंस नहीं कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, इधर आ रहा था 18 यूनिट और इधर आ रहा था आपका काफी ज्यादा आ रहा था, है ना। इधर क्या आ रहा था आपका 34 यूनिट आ रहा था, जो कि क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था उससे। यानी कि ये तो कभी है नहीं कि हम कम चीज दें और हमें ज्यादा आउटपुट मिल जाए, है ना। कम चीज है मेरे पास और कुछ देर बाद हमने रिएक्शन किया उसी में और वो ज्यादा हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर।